दोस्तों भाईजान यानी कि सलमान खान की आने वाली फिल्मों को लेकर बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हो चुका है, जिनमें से एक फिल्म है कभी ईद कभी दिवाली। जी हाँ दोस्तों, कभी ईद कभी दिवाली फिल्म का जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, साथ ही साथ रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि जो फिल्म है इसको रिलीज़ किया जाएगा सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर, वो भी इसी साल। जी हाँ दोस्तों, 2022 के मौके पर दिसंबर के महीने में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा। और वहीं डेट की बात करें तो 30 दिसंबर डेट निकलकर सामने आ रही है, यानी कि दोस्तों सिनेमाघर उस टाइम पे गूंज उठेगा जब सलमान और पूजा हेगड़े एक साथ धमाका करने आएंगे। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि पूजा हेगड़े इस फिल्म के अंदर बहुत ही अहम भूमिका में हैं। दोस्तों बात करें फिल्म की तो ये एक सोशल कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं फरहाद सामजी और प्रोड्यूस किया जा रहा है साजिद नाडियावाला की तरफ से। वैसे दोस्तों सलमान खान अपनी फिल्मों को लेकर आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं, जिनमें से उनकी फ़िल्म टाइगर 3 भी है। वैसे तो हाल फिलहाल अभी सलमान खान टाइगर 3 के शूटिंग में व्यस्त हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कभी ईद कभी दिवाली को लेकर वो कितनी जल्दी व्यस्त हो जाते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म से 3 या 4 गाने भी होने वाले हैं, जो कि सलमान और पूजा के केमिस्ट्री को दिखाएंगे। वैसे खास बात दोस्तों ये है कि आजकल पूजा और सलमान खान की जो केमिस्ट्री है वो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए, कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।